हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम पीएचपी में कैप्चा कैसे बना सकते हैं। कैप्चा हम बनाते हैं किसी भी ऑटोनॉमस स्क्रिप्ट से बचने के लिए कि कोई हैकर या फिर अटैकर एक कंटिन्यूस स्क्रिप्ट लिख के हमारे वेब पेज में लगातार रजिस्ट्रेशन ना कर दे या फिर कोई स्क्रिप्ट हमारे पेज में ना चले। हम ये इंश्योर करने के लिए कैप्चा यूज़ करते हैं कि कोई वैलिड यूज़र ये हमारी सर्विसेज को यूज़ कर पाए। पीएचपी कैप्चा बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल तरीका है पीएचपी कैप्चा बनाने का, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि आप 1-5 मिनट में भी बना सकते हैं। उसके लिए हमको एक पीएचपी की फाइल चाहिए। हम उस पीएचपी फाइल का नाम captcha.php रखते हैं और इसको सेव करते हैं, captcha.php। अब इसके लिए हमको कुछ रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करानी पड़ती है। रैंडम स्क्रीन जनरेट कराने के बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे रैंडम फंक्शन है, एक MD5 फंक्शन है जो 32 बिट का हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में नंबर्स और स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन जनरेट करता है, तो हम MD5 यूज़ करेंगे। एक हम रैंडम वेरिएबल ले लेते हैं, रैन str इज इक्वल टू MD5। MD5 एक आर्गुमेंट लेता है जिसके बेसिस पे वो रैंडम नंबर जनरेट करता है। 1 के लिए MD5 का फिक्स जनरेशन होगा, 2 के लिए फिक्स, तो हम इसके अंदर रैंडम नंबर पास करते हैं। हम यहाँ पे माइक्रो टाइम लिख देते हैं जो माइक्रो सेकेंड्स रिटर्न करता है। हर सेकेंड माइक्रो सेकेंड चेंज होता रहेगा और हमें नया नंबर मिलता रहेगा। जैसा कि मैंने बताया, ये 32 बिट का नंबर देगा, हमें इसको 6 बिट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करेंगे। इनिशियल पोजीशन और हमें कितने कैरेक्टर्स चाहिए, ये हमें 6 कैरेक्टर्स दे देगा। उसके बाद हमको एक इमेज बनानी है। इमेज बनाने का फंक्शन होता है, एक वेरिएबल ले लेते हैं, इमेज इज इक्वल टू इमेज क्रिएट एक्स डिस्टेंस एंड वाई डिस्टेंस। अब हमें इसमें कुछ कलर एलोकेट करना होगा। इमेज, इस इमेज का क्या कलर होगा? बाय डिफॉल्ट इमेज का कलर ब्लैक होता है। अगर हम कोई दूसरा कलर डालना चाहें तो उसके लिए ये फंक्शन होता है। इसमें हम इमेज और उस कलर की वैल्यू, फॉर एग्जांपल 255 255 255, देन किस कलर से हम लिखेंगे, टेक्स्ट कलर क्या होगा, टेक्स्ट कलर इज इक्वल टू इसको हम 000 कर देते हैं, 0 and 0। अब हमको इसको इमेज में लिखने के लिए एक फंक्शन होता है, इमेज स्ट्रिंग, इसके अंदर इमेज फॉन्ट साइज, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस एंड वाई एक्सिस से डिस्टेंस हमें क्या लिखना है और किस कलर का है, txt। अब हम हेडर फंक्शन का यूज़ करेंगे। कंटेंट टाइप हमारा इमेज है, इमेज स्लैश jpg है, और हम इमेज रिटर्न कराएंगे, इमेज jpg एंड इमेज, ये हो गया हमारा। अब इसका हम अगर आउटपुट देखना है तो उसके लिए हमको एक फाइल बनानी पड़ेगी जिसका नाम हम रखते हैं register.php। इसमें हम html का कोड लिखेंगे। एक हम रजिस्ट्रेशन पेज बना लेते हैं सिंपल सा, फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू register.php, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट फॉर्म बॉडी स्टेटस। अब एक नेम इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट नेम, नेम अब हम कैप्चा कोड के लिए लिखते हैं कैप्चा input type is equal to text
देन जो इमेज हमने वहाँ पे कैप्चा डॉट पी एच पी में बनाई थी उसको हम ऐसे लिखेंगे, इमेज src इज इक्वल टू कैप्चा डॉट पी एच पी। ये हमारा कोड हो गया, ये हम इसको ब्राउजर में रन कराते हैं। माई फाइल्स कैप्चा डॉट पी एच पी, रजिस्टर डॉट पी एच पी। ये रहा हमारा कैप्चा, ये जरा सा एब्रप्ट सा आउटपुट है, जरा हम इसको ठीक कर लेते हैं। इसको हम बाद में ठीक कर लेंगे, फिलहाल हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। हम जितनी बार पेज को रिफ्रेश करेंगे उतनी बार हमारा कैप्चा कोड चेंज होगा। ये देखिए, ये तो हमारा कैप्चा कोड बन गया। अब बात आती है हम कैसे वेरीफाई करें कि जो कोड हमने डाला है वो कोड बिल्कुल सही है और वर्किंग है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें सेशन क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर कैप्चा डॉट पी एच पी में। हम यहाँ पे सेशन स्टार्ट करेंगे और एक सेशन वेरिएबल ले लेंगे, सेशन कैप कोड, और इसमें हम डाल देंगे str को। अब हमारे पास, अब हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, नेम इज इक्वल टू चेक एंड वैल्यू इज इक्वल टू वेरीफाई। ये वेरीफाई करेगा कि जो कोड हमने डाला है वो सही है कि नहीं। यहाँ पे हम कोड लिखते हैं PHP का, PHP इफ सेट, अगर हमने सबमिट बटन को प्रेस किया है देन हमें क्या करना है, हमें सेशन स्टार्ट हो चुका है, हमें सेशन से वेरिएबल लाना है, सेशन कैप कोड, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं। एक वेरिएबल में स्टोर कराने के बाद जो इनपुट हमने दिया है यूज़र से, यूज़र का इनपुट, वो हम कॉल कर लेंगे। यहाँ पे हमने क्या नाम रखा है इसका, कैप। अब हम दोनों को इक्वल कराएंगे, इफ मैच चेक करा लेते हैं, अगर दोनों इक्वल हैं इज इक्वल टू यूज़र देन इको वैलिड, एल्स इको इनवैलिड। लेट्स चेक इट आउट कि काम कर रहा है कि नहीं। 8A F411 095 क्या एरर आ गई यहाँ पे, डॉलर कैप कोड व्हाट्स द एरर, अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर अंडरस्कोर सेशन, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सेशन स्टार्ट कर देते हैं अभी।